चंद्रकांता कुंवर, मेरी कुंवर, क्यों हाथ क्यों रोक लिया? कुंवर, आप नहीं जानते, आपके स्पर्श करने से सब कुछ आ जाएगा मेरे जीवन में। चंद्रकांता, कहाँ हो तुम? चंद्रकांता, कहाँ हो मेरी चांद? चांद, चांद! मेरी जान बेखबर तो मैं कभी नहीं रहा। तुम्हारी सांसों की आवाज ही मेरी जिंदगी की सौगात है। तुम्हारी एक एक सांस का पैगाम मुझ तक पहुंचता रहा, आज रुक नहीं सका। सच कह रहे हैं आप? आप नहीं, तुम। मैं खुशकिस्मत हूं जो तुम्हारी चाहती है, ये मैंने पाई है। माना हम तुम दूर अभी है, बिखरी बिखरी तन्हाई है। मेरी सांसों की ये गर्मी पलकों पे तुम महसूस करो। तो जो मैं हूँ पास तुम्हारे, दिल को ना मायूस करो। राजकुमारी,
मेरी राजकुमारी का रंगीन चेहरा आंसुओं से धुलकर फीका पड़ता जा रहा है। अब तो न रोइए। बहार, तुम तो जानती हो मेरे दिल का हाल। कुंवर से एक बरस की जुदाई कैसे बर्दाश्त की है मैंने। आप तुम्हारी इन आंसुओं को बहने दो, नहीं शायद इसी से मेरा जी हल्का हो जाए। विश्वास था मुझे कि कंचन जरूर सरहद पार करने में कामयाब होगा और नौगढ़ से राजकुमार वीरेंद्र सिंह का पैगाम हमारी राजकुमारी के नाम लाएगा। हाँ। वो देखो, वो आ गया कंचन, कंचन आ गया, देखो मेरा कंचन आ गया। कंचन आ गया तू? कपड़ा केतकी, कपड़ा लगता है ये चांदनी की आवाज है। हाँ केतकी, लगता है कंचन आ गया है जिसकी हम कब से राह देख रहे थे। कोई संदेशा लाया है? हो सकता है। चलिए चांदनी, कोई संदेशा भी लाया है? हाँ ये देखो। चलो राजकुमारी को जल्दी से खबर दे देते हैं। चलो राजकुमार को राजकुमार का खत चाहिए। हाँ और ये कंचन ही तो है जो ये पैगाम लाता है। राजकुमार को थोड़ा सा छेड़ते हैं। चलो मैं ना कंचन को धीरे से देखती हूँ। ठीक है। लीजिए राजकुमारी, आपकी आंखों का तारा कंचन आ गया और पैगाम भी ले आया है राजकुमार का। हर वक्त की हंसी अच्छी नहीं होती। क्या दे राजकुमारी, कंचन या पैगाम? ओहो मन चंचल मुस्कुराता है काजल लहराता है आंचल राजकुमारी कर रही है राजकुमारी कर रही है मेरी जान। अपनी जिंदगी से मुलाकात हुए एक साल नहीं एक सदी बीत गई है और हम गुजरे हुए वक्त के साथ हर पल मर मर के जीते रहे हैं लेकिन अब ये बेजान जिस्म जिंदगी के दीदार के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं आज ही सूरज ढलने के बाद अपनी जिंदगी को अपने गले लगाने ऋतुराज वाटिका में पहुंच रहा हूं। आप जरूर आइए। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी।
महाराज की जय हो। आपके हुक्म के मुताबिक मैं हाजिर हूं। डेट सिंह, हमें तुम्हारी फरमाबरदारी और अय्यारी पर नाज है। तुम नौगढ़ के रत्नों में से एक हो। यह आपकी जरा नवाजी है महाराज। हमें फख्र है कि जो भी काम तुम्हें सौंपा गया तुमने उसे बखूबी पूरा किया। धन्यवाद महाराज। लेकिन आज हम तुम्हें खास जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। राजकुमार बिना बताए विजयगढ़ चले गए अकेले। हम चाहते हैं कि तुम उनके पीछे जाओ और हिफाजत से उन्हें वापस ले आओ। यह तो बहुत मामूली काम है महाराज, समझ लीजिए कि हो गया। लेकिन इसमें एक भेंट है। कुछ भी हो, राजकुमार चंद्रकांता से न मिलने पाएंगे, याद रखना। लेकिन मेरे पहुंचने से पहले अगर मुझे इस वक्त कोई अगर मगर नहीं चाहिए। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी बेमिसाल तैयारी की जरूरत है। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो। तुम लोग जाओ। महाराज, वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता आज तीसरे पहर वाटिका में मिलने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह, उसकी ये मजाल कि वो हमारे राज्य में हमारी इजाजत के बगैर कदम रखे, वो जानता नहीं इस गुस्ताखी की उसे क्या सजा मिलेगी। सजाए मौत महाराज, सजाए मौत। इसके सिवा कोई सजा हो ही नहीं सकती। महाराज, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। वीरेंद्र सिंह का सर कलम कर दीजिए। अब भी ऐसा ही होगा। वीरेंद्र सिंह का सर काट कर नौगढ़ फेर दिया जाए ताकि वीरेंद्र सिंह को हमारी ताकत का अंदाजा लग जाए। मगर आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आप रोक सकती हैं तो रोक कर दिखाइए। गुर सिंह जी महाराज, सिपाहियों को हुक्म दिया जाए कि हमारे और तुम्हारे हुक्म के अलावा किसी का हुक्म ना माना जाए। जी महाराज, चाहे वो हुक्म खुद महारानी का क्यों ना हो। और ये भी कह दिया जाए कि हुक्म ना मानने वाले की सजा मौत होगी। ऐसी आज्ञा महाराज। सबसे पहले चंद्रकांता के महल पर चारों तरफ से पहरा लगा दो। चंद्रकांता अपने महल से हमारी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकेगी। वाटिका के चारों तरफ सिपाही तैनात कर दो, बल्कि तुम वहां खुद रहो। और जैसे ही वीरेंद्र सिंह वहां पहुंचे उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। कैसी आपकी आज्ञा महाराज। जाओ। वक्त हो गया, हमें जाना चाहिए। बाहर उसे सहारा दे, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। सुनो तो जरा, बहुत बहुत जोर से धड़क रहा है। आओ सैन। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे इंतजार था। राजकुमारी, राजकुमारी, आपको ऋतुराज वाटिका जाने की इजाजत नहीं मिली है। ये महाराज का हुक्म है। मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। मैं ऋतुराज वाटिका जाऊंगी। मैं इस आज्ञा का उल्लंघन करूंगी। रात हो गई, तीसरा पहर भी बीत गया, मगर वीरेंद्र सिंह नहीं आया। लगता है हमारे सिपाहियों का घेरा देखकर डर गया। अब वो नहीं आएगा डरपोक। लेकिन एक बात और करने लायक है। वो क्या? कहीं वीरेंद्र सिंह को इस चाल का और इस चाल में छुपे जाल का पता चल गया तो। चंद्रकांता,
कितनी आस और उम्मीद से आज के दिन का इंतजार था। तुम लोगों ने वही सुना जो मैंने सुना? अभी यहाँ सुना आवाज इस वक्त वाटिका में हमारे रहते लगता है वो आन पाता है। वो कैसे आ सकती है? वो तो महल में कैद है। मेरे प्यारे कुंवर, आपके लिए सिपाही के कड़े पहरे तोड़ कर आई हूँ। सिर्फ आप जी, वो भी आप पहुंची हैं और आपके सामने दोनों की मुलाकात भी हो रही है, लेकिन इतने कड़े पहरे के बावजूद वो दोनों पहुंचे कैसे? चंद्रकांता, ये आज का तीसरा पहर हमारी जिंदगी का सबसे अहम पहर था, मगर क्या करें, दुश्मनों की वजह से देर हो गई। एक पहर तो क्या राजकुमार, आपकी चंद्रकांता के साथ रहने तक आपके लिए इंतजार कर सकती है। हुजूर, गिरफ्तार कर लें राजकुमार को। अभी नहीं, अभी नहीं, ये काम हम छुप कर करेंगे। मैंने कहा था ना, पूरी चौकसी और होशियारी से बिना आवाज किए घेरा बनाओ। सिपाही सिपाही सिपाही। भाइयों, लोमड़ी की तरफ बनो। शाबाश, अब मेरे साथ साथ घुटने के बल चलो, आगे बढ़ो। आप जल्दी लौट जाइए, वरना वो क्रूर सिंह महाराज को लेकर ना आ पहुँचे। आप पहुँचे नहीं, आप पहुँचे हैं। चंद्रकांता, तुमने इस मिलन की घड़ी में किस मनहूस का नाम ले लिया? देखो, चांद को ग्रहण लग गया, फूल मुरझा गए, परिंदे रो रहे हैं जैसे उनके माँ बाप मर गए। क्या करूँ, बहुत दूर से आनी चाहिए जो हमारी मोहब्बत का दुश्मन बना हुआ है। मुझे तो उसकी शक्ल से नफरत है, ऐसी सूरत है उसकी जैसे भिखारी की फटी हुई जूती। फटी जूती? बाल तो ऐसे हैं जैसे किसी ने सर पर उल्टी झाड़ू रख दी हो। झाड़ू? उसके मुकाबले में आपका चेहरा कितना सुंदर है, जैसे सुबह का निकलता हुआ सूरज। अभी डूब जाएगा, फिर संजीरों में जकड़ कर महाराजा के दरबार में ले जाऊंगा। सिपाहियों, अरे अरे मर गया, अरे मर गया, बचाओ बचाओ, मर गया मर गया, बचाओ बचाओ। वो मारा शिकार? नहीं मारा सरकार। ये तो आमिर है, अपना अय्यार। आमिर वाटिका में पहुंचने के गुप्त रास्ते में तो हम पहुंच गए। अगर ये रास्ता खत्म हो तीसरा पहर बीत चुका है, हमारे और चंद्रकांता के मिलन का दीप दिया वो हमारे पियों को पागल हो गई होगी। वो पुतला भी दिखाई नहीं दे रहा जिसके हाथों से फूल उठाते ही सुरंग का गुप्त द्वार खुल जाएगा। अरे कहीं ये वही पुतला तो नहीं? शाम दी, राजकुमार वीरेंद्र सिंह जी, विजयगढ़ का कैद खाना आपका इंतजार कर रहा है। क्रूर सिंह सरकार, इतना घबरा क्यों गए आप? आइए आइए कुमार वीरेंद्र सिंह जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि नौकर की कैद से भागा हुआ मुजरिम खुद हमारे सामने आ पहुंचा। अब हम जाबाज को उसका बदला लेने का मौका नहीं देंगे।
बल्कि अपने जख्मी दोस्त की तरफ से खुद तेरा सर कलम करके